What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 16 जुलाई 2020 सुबह के 8:33 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो आज भी काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। मंडे को हमने देखा 200 पॉइंट की गिरावट, फिर कल हमने 200 पॉइंट की अपसाइड और उसके बाद 200 पॉइंट की फिर से गिरावट हमें देखने को मिली है, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है इस समय। तो आज निफ्टी में एक्सपायरी के दिन क्या लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे के लिए वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। देखिए, अभी Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो Q1 तो पूरा लॉकडाउन में गया है, तो कंपनीज़ के लिए क्या Q1 के रिजल्ट्स देने होंगे ये देखने लायक होगा। अभी रिलायंस का आया है Q1 का रिजल्ट, तो वहाँ पर भी हमें प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लॉकडाउन का पीरियड था, तो Q1 के रिजल्ट्स क्या आएंगे उसके हिसाब से वोलेटाइल मार्केट इस महीने में हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कल का ये पिक्चर है, यानी 15 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 10,651 के पास, तो आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ, जो हमारा सेकेंड टारगेट बन रहा था एग्जैक्ट उसी लेवल के पास ओपन हुआ। और जैसे हमने कहा था कि पिवट पॉइंट R1 के लेवल के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिए, फिर यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो निफ्टी इंडेक्स ने फिर से एक बार R1 को एज ए सपोर्ट टेस्ट किया और ज़बरदस्त यहाँ से अपसाइड मूव दिखाया। तो यहाँ पर ये जब इसने ये डबल टॉप जैसा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो इसका ये जो नेक लाइन ब्रेक करने के बाद ये इतनी जोर से नीचे आया, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक दिखाया तो एग्जैक्ट फिर से सेकेंड टारगेट के पास इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पर दोनों टारगेट्स भी अचीव हुए थे और भी ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ आके ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 17 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और टेन लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो कल के लेवल्स भी काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए, काफ़ी वोलेटाइल दिन था। आज भी एक्सपायरी का दिन है, देखते हैं क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात। कल भी US मार्केट देखिए तो वैक्सीन के पॉजिटिव खबरों से वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो कल सभी हरे निशान में बंद हुए थे, लेकिन आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं तो एक निगेटिव नोट के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। लगभग हालांकि सभी जापनीज मार्केट हो या फिर ताइवान मार्केट हो, SGX निफ्टी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को भी देखे तो 121 पॉइंट के इस समय गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से फिर से एक बार कमजोरी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, जैसे कि हम यहाँ पर सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर रहे थे। ये दो मूविंग एवरेज 100 और 50 EMA ये लगभग ऑलमोस्ट एक ही लेवल के पास आ रहे हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट अभी तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ है, दो ट्रेडिंग सेशंस बाकी है ये कैंडल कंप्लीट होने के लिए। अब तक फिलहाल ये 50 EMA को एज ए सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 50 EMA के नीचे आर्ली चार्ट में, अगर ये सस्टेन करता है तो निफ्टी इंडेक्स फिर से हमें 10,211 जहाँ पर ये पिंक लाइन है वीकली चार्ट में 20 EMA का, ये अराउंड 10,200 के पास है, वहाँ तक निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार हमें देखने को मिल सकता है अगर ये सपोर्ट को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो। ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तभी इसके 61.8% का लेवल ये जो अपर बैंड यहाँ पर बना हुआ है इसी के पास आ रहा था। तो इसको फिर से ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया, तो एग्जैक्ट अभी ये 23.6% को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। कल और परसों यहाँ पर दो दिन इसने सपोर्ट टेस्ट किया, ये ब्रेक होता है तो एज पर डेली चार्ट ये 20 EMA 10,490 के पास आ रहा है। वीकली चार्ट में देखा हमने 10,200 के पास आ रहा है, तो सबसे पहले सपोर्ट बनेगा 10,490 के पास अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो, और हो सकता है पेनेट्रेट करे इस लेवल को 10,378 तक, यानी ऑलमोस्ट 400 तक निफ्टी इंडेक्स हमें अगर यहाँ पर ये ब्रेक करता है इस सपोर्ट को तो यहाँ पर इस लेवल तक आते हुए दिखाई दे सकता है। और ऊपर जाना है तो निफ्टी को अभी 10,900 कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा, क्योंकि हमने देखा मंथली चार्ट में
ये यहाँ पर हर्डल बन रहा है 20 AMA का, जो कि अराउंड 10,750 के पास है। तो ये सारे हर्डल्स है, हो सकता है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिले इस महीने में। Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे कंपनीज अपने रिजल्ट्स पेश करेगी उस तरह से वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल ये जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था, आज भी वो सेम उसी लेवल के पास हमारा ब्रेकडाउन लेवल साबित हो सकता है, यानी 10,562 के नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,540, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल, जो कि 10,521 के पास है। और ऊपर अगर चला जाता है तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कितनी बार सपोर्ट किया है, जो यहाँ पर आज पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक, ये दो, ये तीसरी बार। तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, पिवट पॉइंट के 10,676 को ब्रेक होने दीजिए कंफर्टेबली, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,692, एक क्विकली छोटा सा टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 50 AMA का ब्लू लाइन, जो कि अराउंड अभी 10,709 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।